दैट आई कॉल्ड अ क्लेवर स्ट्रेटजी, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, क्लेवर स्ट्रेटजी। क्लेवर स्ट्रेटजी बिजनेस ए और बिजनेस बी, एक कस्टमर को क्या चाहिए कि आप उसको अच्छे ऑफर में बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। उसको मतलब नहीं है आप क्या बेच रहे हो, आपके प्रोडक्ट में भी इंटरेस्ट है, उसको मतलब है कि आप ऑफर क्या दे रहे हो। खर्चा करो, मना नहीं है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस में जरूरी होता है और इन्वेस्टमेंट के बेस पे ही चीजें होती हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खर्चा करना कहाँ पर नहीं है। करना है ये तो पता है कि यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको नहीं करना। वो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैटनिक्स डिजिटल मीडिया, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग। देखो यार, स्मॉल तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, आप शुरू कर रहे हो, आज आपने शुरू करा है तो वो आज आप उसको स्मॉल कह सकते हो, लेकिन आपको विजन जो रखना है वो बड़ा रखना है। नॉर्मली अक्सर देखने को मिलता है एक बिजनेस पे नॉर्मली अच्छा खासा बिजनेस आ रहा है, वो न्यू तरीके से चीजों को लेके चल रहा है, लेकिन आपके साथ दिक्कत क्या हो रही है, आपके साथ ये दिक्कत हो रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या तरीका ऐसा लगाया जाए जिससे हमारा बिजनेस ग्रो हो जाए। तो देखो आज ना एक रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ स्ट्रेटजी, दैट आई कॉल्ड अ क्लेवर स्ट्रेटजी, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। और उस स्ट्रेटजी से मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि उसमें क्या क्या चीजें हैं कि आप ये कर लो ये कर लो, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताने वाला हूँ, वहां से आपको खुद पता करना है कि क्या चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं कर रहे हो, या क्या मिस्टेक ऐसी हैं जो उस बिजनेस ने करी थी, उसको लॉस हुआ और वो आपको नहीं करना है। दो बिजनेस किस तरीके से एक बिजनेस को दूसरा बिजनेस ओवरटेक कर गया, वो चीज आपको आज इस वीडियो में समझ में आने वाली है। आज कुछ डिफरेंट है, और मैं आज सोच ही रहा था कि किस चीज पे कंटेंट बनाया जाए, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करा जाए। जब मैं किसी से मिलने जाता हूँ, मीटिंग करने जाता हूँ, तो क्या होता है वो अपना जो प्रॉब्लम्स उनको फेस होती है तो वो सब शेयर करते हैं, वो बताते हैं कि ये चीजें हुई, ये चीजें हम लोग ब्लैकआउट कर गए और इस वजह से आज हम इस प्रॉब्लम में। तो मैं आपको वो प्रॉब्लम्स मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आप लोग उस प्रॉब्लम में ना फंसे। तो स्क्रीन पे चलते हैं, पहले देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, क्लेवर स्ट्रेटजी। क्लेवर स्ट्रेटजी बिजनेस ए और बिजनेस बी, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्लेवर स्ट्रेटजी किसके पास है, बिजनेस ए के पास है या बिजनेस बी के पास है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिजनेसेस को डिफाइन करेंगे कुछ पैरामीटर्स, ठीक है। मैंने जो डिफाइन करा इस बिजनेस ए को, मेरी मीटिंग जो हुई थी वो बिजनेस ए से हुई थी, तो मैंने इस बिजनेस को डिफाइन करा कुछ पैरामीटर्स से, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हमने देखा ये कितना पुराना है, ठीक है, तो ये 25 इयर्स ओल्ड था, और ये किस पे बेस्ड था, एक फ्रेंचाइजी बिजनेस था। एक देखो फ्रेंचाइजी मॉडल क्या होता है ना यार, कि आप अगर किसी की फ्रेंचाइजी लेते हो तो आपका जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ परसेंटेज आपको अपने जिसकी भी आपने फ्रेंचाइजी ली है उसको देना। देखो अब बात करते हैं लोकल प्रेजेंस की, क्योंकि बिजनेस लोकल था तो लोकल प्रेजेंस होनी जरूरी है, तो इनकी काफी अच्छी प्रेजेंस थी। मैंने देखा कि मतलब हम लोगों ने सर्च करा कि क्यों प्रेजेंस अच्छी है इनकी, इतना इन्होंने क्या ऐसा काम करा था जो इनकी प्रेजेंस अच्छी हो गई। तो इन्होंने क्या करा था, पैम्पलेट्स अपने वहां पे लोकली मार्केट में सर्व करवा रखे थे, बैनर्स बनवा रखे थे, लाखों रुपए के बैनर्स, होर्डिंग्स, मतलब मंथली जिस होर्डिंग का 35,000 to 40,000 ज्यादा, वो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा रखे थे, न्यूज़पेपर में निकलवा रखा था, ऑफलाइन न्यूज़पेपर जितने भी आते। मींस दैट दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी इन द एडवर्टीजमेंट फॉर द लोकल प्रेजेंस, ठीक है, यहाँ पे ये अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे थे। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस की, तो इनका जो प्रोडक्ट और सर्विस था वो काफी प्रीमियम था। प्रीमियम का मतलब ये था, मुझे ये नहीं पता कि उसकी क्वालिटी क्या थी, प्रीमियम का मतलब है कि उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा थी, अबव 1 लाख, मतलब एक कोर्स अगर वो सेल आउट कर रहे हैं तो वो 1 लाख से ऊपर का था, और लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो इसलिए वो ऑप्ट करते थे, ठीक है, इसलिए इतनी मार्केटिंग भी करते थे। अब बात आती है लोकेशन की, तो लोकेशन इतनी ज्यादा प्रीमियम नहीं थी, मीडियम लोकेशन पे था, एक नॉर्मल लोकेशन जो होती है उस पे था। ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करें तो डोमेन, जो डोमेन था इनका वो भी इन्हें नहीं पता था कि वो डोमेन है कहाँ,
और इन्हें ये भी नहीं पता कि इनके पास ऑनलाइन जो क्वेरी आ रही है या फिर कॉल्स आ रही है इन्हें ऑटोमेटिकली, जो लोग इनको कॉल्स कर रहे हैं वो आ कहाँ से रहे। तो ये सिचुएशन थी इस बिजनेस की, जिसने हम लोगों को बुलाया, अपने बिजनेस के बारे में बताया कि हम लोग इस सिचुएशन में है और ये हमारा हिस्ट्री है, इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अब इन्होंने जो अपना इशू बताया उसको देखा हम लोगों ने, ऑडिट करा, तब समझ में आया जो बिजनेस बी था वो हमारा स्टार्ट हुआ बिजनेस ए के ही थ्रू। वो कैसे? देखो बिजनेस बी क्या हुआ, जो लोग यहाँ पे काम करते थे, जो लोग यहाँ पे वर्कआउट करते थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने चीजों को समझा, देखा और उन्होंने ये देखा कि ये क्या मिस्टेक कर रहे हैं, उस चीज को ओवरकम करके मार्केट के सामने सर्व कर दिया। दिस इज द क्लेवर स्ट्रेटजी, ये बहुत ही ज्यादा क्लेवर स्ट्रेटजी है। आई नो ऐसा होता है, लेकिन आप किसी को ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं कि आपका बिजनेस ही खत्म कर दे या आपको नुकसान पहुंचा दे? अगर आप इस तरीके से किसी को एडवांटेज देंगे तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ बिजनेस बी ने करा क्या। बिजनेस बी ने भी देखो 5 पैरामीटर पे, मैंने इसको भी काउंट करा, इसने क्या करा, इसने सेम ही फ्रेंचाइजी ली, जो फ्रेंचाइजी बिजनेस ए के पास थी इसने भी सेम फ्रेंचाइजी ली। और ऑब्वियसली बात है ये न्यू था तो इसकी कोई प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन इसने देखा कि लोकल प्रेजेंस पे हमारा बिजनेस ए जो कर रहा है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, इतना इसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिजनेस बी को भी कुछ करना है, बिजनेस बी भी सोच रहा है कि यार मैं भी कुछ करके देखूं, क्यों ना मैं, क्या तरीके हो सकते हैं। तो ये क्या था, ये यंग माइंड पीपल थे, इन लोगों ने मार्केट में रिसर्च करी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिसर्च, कि ऐसा मार्केट में क्या चल रहा है, कि इन चीजों के अलावा कैसे चीजें हो सकती हैं। तो इन्होंने क्या करा, अपनी प्रेजेंस के लिए गूगल प्रोफाइल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। इस चीज को इतने अच्छे तरीके से, वेल तरीके से बनाया, ऑप्टिमाइज करवाया, एजेंसी के थ्रू करवाया, खुद करा, आई डोंट नो, लेकिन इन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना प्रेजेंस यहाँ पे बनाया। लोकल प्रेजेंस इन्होंने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करा, क्योंकि इनके पास ऑब्वियसली बात है जो पहले से चल रहा है उसके पास पैसा है, उसके पास एक फनल बन हुई है, पैसा आ रहा है, वो पैसा खर्च भी कर रहा है मार्केटिंग में, लेकिन इनका तो न्यू है, इन्हें तो अपना शुरू जो करना है वो बेस से करना है। तो यहाँ पे इन लोगों ने ये स्ट्रेटजी यहाँ पे ये लगाई, ठीक है, यहाँ पे गूगल प्रोफाइल और एक ऑनलाइन डिजिटल मीडिया के थ्रू इन्होंने अपनी प्रेजेंस बनाना शुरू करी। सेकंड, प्रोडक्ट और सर्विस की बात करें तो देखो प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक कस्टमर को क्या चाहिए कि आप उसको अच्छे ऑफर में बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर पाए, ठीक है, उसको मतलब नहीं है आप क्या बेच रहे हो, आपके प्रोडक्ट में भी इंटरेस्ट है, उसको मतलब है कि आप ऑफर क्या दे रहे हो, आप कितना ऑफर दे रहे हो, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, प्राइस ही 1/3 कर दी, मतलब अगर कोई चीज अगर 1-1.5 लाख रुपए में मिल रही है तो वहां पे उन्होंने बिल्कुल ही उसका प्राइस गिरा के 10,000-20,000 इस तरीके के रेंज में बहुत ही कम लिया है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कंपटीशन जो था, जो बिजनेस ए के पास जो स्टूडेंट्स जा रहे थे या बिजनेस ए के पास जो बिजनेस आ रहा था, वहां पे कहीं ना कहीं चीजें क्या हुई, मैसअप होने लगी। जो बिजनेस ए के बच्चे थे वो भी जाके बिजनेस बी में जाके ज्वाइन करने लगे, एंड दैट्स द पॉइंट। तब तक देखिए बिजनेस ए को अभी तक कोई मतलब नहीं था कि वो गूगल प्रोफाइल बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं या बच्चे उनके पास जा रहे हैं, मतलब नहीं था। लेकिन जब स्टूडेंट्स उनके सेंटर से निकल के बिजनेस बी के सेंटर में गए, देन दे रियलाइज दैट दे हैव मेड इन सम मिस्टेक। उन्हें जब ये रियलाइज हो गया कि उन्होंने कोई मिस्टेक करी है, उन्होंने कुछ चीज लैकआउट करी है, इस चक्कर में उनको आज ये इतना बड़ा लॉस हुआ है। ऑब्वियसली बात है यार, अगर देखो आपका एक प्रोडक्ट या एक सर्विस आप 1.5 लाख की दे रहे हो या 2 लाख की दे रहे हो, और अगर आपके 8 भी बच्चे कम हो गए तो आपका 10-15 लाख का नुकसान हो गया अच्छा खासा। तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ पे खर्चा नहीं करा लोकल प्रेजेंस पे, इन्होंने क्या करा लोकेशन पे खर्चा कर दिया, इन्होंने प्रीमियम लोकेशन ले ली। इम्पोर्टेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप खर्चा करो, मना नहीं है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस में जरूरी होता है और इन्वेस्टमेंट के बेस पे ही चीजें होती हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खर्चा करना कहाँ पर नहीं है। करना है ये तो पता है कि यहाँ भी करना है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको नहीं करना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो लोकेशन पे इन्होंने खर्चा करा और उसका बेनिफिट क्या हुआ, कि उसका बेनिफिट ये हुआ कि लोग इनको प्रीमियम लोकेशन पे देख के समझने लगे कि ये ओल्डर वाला है, ये ऑथेंटिक है, ये ऑलरेडी रिजल्ट जनरेट कर चुका है, क्योंकि ऑथेंटिक ही
जो होगा वही प्रीमियम लोकेशन पे आके बिजनेस कर सकता है। ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करें तो जो डोमेन उनके पास था, जो बहुत पहले यूज करते थे, उन्होंने यूज करना बंद कर दिया या उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो डोमेन उठा के इन लोगों ने परचेस कर लिया। एंड दे वर सेइंग कि अब इसको कैसे लिया जा सकता है। नो चांस कि अगर आपने अपना ध्यान नहीं दिया, ये सब गलतियां अगर आप करोगे अपने बिजनेस में तो आपको बहुत ज्यादा इश्यूज आने वाले हैं। और फिर उन्होंने क्या करा, ऑनलाइन मार्केटिंग को चूज करा, उन्होंने ऑफलाइन मार्केटिंग को चूज नहीं करा, क्योंकि इसके ना बहुत ज्यादा डिमेरिट्स है। आप किसी भी चीज की इसमें से ट्रैकिंग नहीं रख सकते और ना ही आप डेमोग्राफिक डिसाइड कर सकते कि आपकी ऑडियंस ये है, आपके इंटरेस्टेड लोग ये है, उनको ही पैम्पलेट जाना चाहिए आपका, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। जबकि डिजिटल मीडिया में आप ये सारी चीजें कर सकते। किसी को अगर टारगेट कर रहे हो तो दोबारा भी आप उसके पास जा सकते। तो गाइज आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, कुछ समझ में आया होगा, कुछ मिस्टेक ऐसी होंगी हो सकता है जो आप भी कर रहे हो, और बिजनेस भी ने किस तरीके से स्मार्टली, आई विल नॉट से दैट क्लेवरली, आई विल से स्मार्टली उसने अपने बिजनेस को ग्रो करा। और बिजनेस में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आप ओल्ड हो, आप ये मत समझो कि आप ही रहोगे मार्केट पर। जो ट्रेंड चल रहा है, जो चीजें चल रही हैं, अगर आप उस हिसाब से नहीं चलोगे तो मार्केट के हिसाब से आप सस्टेन नहीं कर सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप कोई गलती कर रहे हो तो उस पर आप वर्कआउट करना शुरू करो, आप टेस्टिमोनियल्स लेना शुरू करो, आप ऑनलाइन सारी चीजें करके तो देखो एक बार रिस्पॉन्स आएगा। देखो हर चीज टाइम लेती है। अगर आप पैम्पलेट्स भी बांटते हो, अगर आप कुछ भी ऑफलाइन भी अगर कोई मार्केटिंग करते हो, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार की मार्केटिंग में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ऑनलाइन में भी टाइम लगता है और वो लोगों के पास पेशेंस नहीं होता कि वो उतना वेट करें। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। अगर ऑनलाइन में अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपनी मार्केटिंग करनी है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और पेशेंस रखने के साथ साथ आपको गैप्स जितने भी हैं वो फिलअप करने हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गैप्स हैं क्या। और अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है या कहीं कोई दिक्कत आ रही है कि आपके बिजनेस में क्या क्या गैप्स हैं, तो आप हमारी टीम से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो, आप हमसे भी बात कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। पर्सनलाइज, मतलब ऐसा नहीं होता हर बिजनेस के लिए हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब लोकल के लिए अगर गूगल प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई बिजनेस ऐसा है जो वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए यूट्यूब भी बहुत जरूरी है। उसके लिए इंस्टाग्राम इतना जरूरी नहीं है, है जरूरी लेकिन इतना नहीं है जितना यूट्यूब जरूरी है, जितना सर्च मीडिया जरूरी है, जितना ऑनलाइन कैंपेनिंग जरूरी है। ठीक है, तो आपका बिजनेस क्या है, आप क्या करते हैं और आप क्या करना चाह रहे हैं, आपके गोल्स क्या हैं। तो आई होप सो ये वीडियो आपको देख के मजा आया होगा और काफी आपकी जो गलतियां हैं वो आपको समझ में आई होंगी कि आप कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं। देखो ये फ्रेंचाइजी मॉडल था, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल था और एक जो रियल मुझे लगा वो मैंने आपके साथ शेयर करा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और केस स्टडी आपके सामने आने वाली है जिससे आप कोई गलती ना करो अपने बिजनेस में। और अगर आपसे कोई गलती हो रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है या बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।